इलेक्शन में तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एक भूत को वोट कौन देगा? आप शेख रशीद के नारे लगवा देना, हर कोई वोट देगा। इनके सामने मियां नहीं कहना, गुस्सा आ जाता है। जब कोई मैच हार से जाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अरे भैया वेलकम खुश आमदीद, मैं हूं इस शो का डिप्टी होस्ट नसीम, और अब तशरीफ लाती हैं रेशम। रेशम दुखी लग रही हो या आज मेकअप ठीक नहीं हुआ? मैंने पता चुरा लिया है। क्या? इंडिया से मैच हारने की असल वजह क्या थी? क्या थी? मीरा उसने कहा था कि इंडिया से मैच जीतने में जो खिलाड़ी सबसे अहम किरदार अदा करेगा तो उसको मैं डिनर पे बुलाऊंगी। इसी डर से किसी खिलाड़ी ने अच्छा नहीं खेला। कई बॉलर्स को ये शिकायत है कि कई कैच ड्रॉप हुए। इसमें खिलाड़ियों की तो कोई गलती नहीं, कैच तो तमाशाइयों ने ड्रॉप किया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच का ये फायदा हुआ है कि वैलेंटाइन डे पर शोहरों ने बीवियों को खाना खिलाया है। वो क्यों? ताकि वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान रिमोट वो अपने हाथ में रख सके। आप लोग दिल छोटा ना करें, आप ना पाकिस्तान इंडिया का पुराना मैच देख लें, दिल को तसल्ली हो जाएगी। रेशम तुम भी ना भाई रमीज राजा लगती हो, वो भी मशवरा कोई नहीं देता, बस तसल्ली देता है। आप कह रहे हैं कि हमारी टीम को बेहतरीन कोच की जरूरत है, जितने हमारे खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं मुझे लगता है ना कोच की नहीं एम्बुलेंस की जरूरत है। आप प्रोग्राम का पहला सेगमेंट देखिए। क्रिकेट में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए मारा है, हम आईसीसी के सताए हुए हैं। ग्राउंड में ऐसे आए हैं सब ये जैसे अस्पताल आए हुए हैं। क्रिकेट में हम तुम्हें क्या बताए। हमारे सेलिब्रिटी अपने शोबे में कमाल तो होते ही हैं, अगर ये किसी और शोबे में होते तो रेशम हाँ। अगर सईद अजमल क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? दुकानदार होते। इनके पास कपड़े की तो तमाम वैरायटी होती है लेकिन गाहक नहीं होता। अहमद शहजाद अगर क्रिकेटर ना होते तो वो हजाम होते जो गाहक की गलत कटिंग करके कहते नया हेयर स्टाइल है। ना होता तो इंश्योरेंस एजेंट होता है, अगर उनसे इंश्योरेंस ना करवाई जाती तो पिस्तौल निकाल लेता। जी आप में से कोई? जी हाँ सर, मोहम्मद हफीज अगर क्रिकेटर ना होते तो धोबी होते तो नीले कपड़ों को भी नीला लगा देते। अच्छा ठीक हूँ हाँ। अगर हमारे सियासतदान क्रिकेटर होते यानी क्रिकेट में होते तो रन्स की रिकाउंटिंग करवाते कि धांधली हुई है। वैसे हमारे चौधरी ब्रादरान अगर क्रिकेटर होते तो उन्होंने मैच भी ना साइकिल पे खेलना था, रन्स भी बाइसिकल पे लेने थे, और अपनी बारी जल्द लाने के लिए एम्पायर से कहना था यार थोड़ा बॉलिंग कराना। अगर मौलाना फजलुर रहमान क्रिकेटर होते तो जो दो टीमें खेल रही होती हैं उन दोनों की तरफ से खेल शुरू करते हैं और जो जीतती तो उसके साथ हो जाते हैं। और अगर शबाज शरीफ क्रिकेटर होते तो पिच भी अंडर ब्रिज बनाते। अगर शेख रशीद क्रिकेटर होते तो उनकी टीम एक ही बंदे पर मुश्तमिल होती और दूसरा खुद ही बॉलिंग करते और खुद ही बैटिंग करते, छक्का भी मारते और विकेट भी गिराते। इसे कहते हैं ऑलराउंडर।
बाउंडर है। अगर परवेज खटक साहब क्रिकेटर होते तो उन्होंने जोर से शॉट लगाना होता तो उसके लिए भी बंदा रखते। इनके मैचेस में अलग से चीयर लीडर की जरूरत ना होती क्योंकि वो खुद भी चीयर लीडर की तबीयत रखते हैं। अगर जरदारी साहब क्रिकेटर होते तो जी हाफ राइट तो वो एक वक्त में दो गेंदे करवाते, एक पे शार्ट लग जाती, दूसरे पे बैट्समैन आउट हो। अगर अल्ताफ भाई क्रिकेटर होते तो हर गेंद से पहले उन्होंने मुख्तसर तकरीर करनी थी। ए मुख्तसर मतलब तीन को घंटे की। अब अल्ताफ भाई की बॉलिंग ऐसी होती कि बैट्समैन खुद ही उंगली खड़ी करके अपने आप को आउट दे देता। अगर सदर ममनून क्रिकेटर होते तो बारहवें खिलाड़ी होते, सारा दिन पैड बांध कर मैच खत्म होने तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते। आप भी अगले सेगमेंट का इंतजार कर रहे होंगे। देखें मैंने मारी एंट्री यार सबकी बजी घंटिया रे, मैंने मारी एंट्री यार सबकी बजी घंटिया रे, नदी की वारंटी यार ना कोई गारंटी यार, झाड़ू झाड़ी करना है सबको साफ करना, टूटने लगा है हर मोती का सपना, इसकी मरम्मत हो लगेंगी बंटिया रे। मैंने मारी एंट्री यार सबकी बजी घंटिया रे, रेशम। हाँ जी। मेरी एक विश है कि मिसबल हक एक ओवर में 6 छक्के मारे। ये विश तो फिर एक तरह से पूरी हो सकती है कि एक ओवर 100 गेंदों का हो। कोई और तरीका? या फिर बॉलर बिलावल भट्टी हो, क्योंकि उस पे स्कोर इतना आशिक है कि वो लूडो भी खेले ना एक नहीं आता, छक्का या चौका आता है। जी आपकी कोई विश? हाँ तो खड़े करे। आप जिद करते हैं तो 2 शेर पेश कर देता हूँ। हम जिद नहीं करते तो 4 शेर पेश करता हूँ। करते हैं। अर्ज किया है, उसने मुझको इतना मारा जितना मारा जा सकता था, लेकिन सोचो 2 हाथों से कितना मारा जा सकता। नसीम एक शेर सुनने की फरमाइश और करो। मैं क्यों करूं फरमाइश? कोई मुझसे फरमाइश करे तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। तो कोई ना करे तो? तो 2 सुनाता हूँ। बिंदी जी नहीं हो गई फरमाइश की? फरमाइश। मैं समझा शायरी से उसे मिल रहा है सुकून, मिली ना जाए। गौर से देखा तो उसने लगाया हुआ था हेडफोन। शुक्र करे कि लगाए हुए थे उसने हेडफोन, अगर सुन लेती एक शेर भी तो कर देना था उसने खून। वाह नवाब साहब, इसकी दाद भी खुद ही को। मेरी पहली शगिर्द इतनी जहीन निकली। मैं आपकी शगिर्द? आपके लिए एक खास शेर है। वो इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू एंड सेंड टू ऑल। हाँ जी, किसी और की कोई विश? यस किसी की शेर सुनने की विश है तो हाथ खड़ा करे। एक हाथ तो खड़ा है ना। शेर सुनने की विश वाला जी। अर्ज किया है, वजन घटाने का नया फार्मूला निकाला है, किचन 4th मंजिल पर ही बना डाला है। किसी की कोई विश? मेरी विश है कि मैं अपनी क्लास फेलो को आई लव यू कहूँ। डरता हूँ पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। किसी लड़की को आई लव यू कहोगे तो 2 किस्म का रिएक्ट मिलेंगे। हाँ जी। या तो वो एंग्री होगी या एग्री होगी। एंग्री हुई तो उसी वक्त पिटोगे और एग्री हुई तो जिंदगी भर पिटोगे। अपनी भी बस ऐसे ही हालत है। अर्ज किया है, हसीनाओं को देखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।
हसीनाओं को देखना बहुत अच्छा लगता है, वास्कट को देखता हूँ अच्छा लगता है। किसी और की कोई विश? जी आप राइट, जी आप राइट। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेंदुलकर की तरह बड़ा प्लेयर बनूं। पहले बड़े तो हो जाओ, फिर प्लेयर भी बन जाना। आपको किसने कह दिया कि तेंदुलकर बड़ा प्लेयर था? उसके तो अपने बच्चे कहते छोटा बू छोटे बू छोटे बू। किसी और की कोई विश? मेरी विश है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूं और मुखालफों की धुलाई करूं। सिर्फ धुलाई का शौक है तो शादी कर लो। मेरी ख्वाहिश है कि हाँ शायरी के बगैर नवासब को ख्वाहिश बताए पड़ी। मेरी ख्वाहिश है कि उमर अकमल तेज तरीन निस सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाए। वो तेज तरीन एक ही रिकॉर्ड बना सकता है, वो भी चलान करवाने का। हाँ जी, किसी और की कोई विश? मेरी विश है कि मैं शॉर्टेस्ट लव स्टोरी लिखूं। हाँ मुझसे शादी करोगी? हाँ, लव स्टोरी खत्म। अब बेशक स्टोरी चले लव खत्म। इसी तरह शॉर्टेस्ट मर्डर स्टोरी है, उसके बारे में पता है? नहीं। बीवी सुनते हो? खामद नहीं। आपकी ख्वाहिश? मेरी विषय है कि मैं जहां जाऊं लोग रास्ता छोड़ दें। तुम्हारी जैसी शक्ल है, तुम्हें कोई एक रुपया नहीं छोड़ता। वैसे मेरा मशवरा है कि आप ना भीख मांगना शुरू कर दें, जिससे भी मांगेंगे ना खुद ही बिछड़ जाएंगे। मेरी विश है कि मैं क्रिकेट का फास्ट बॉलर और कप्तान बनूं। और क्यों नवाज शरीफ का तरा निकालना चाहते हैं? पहले इन्हीं खूबियों वाले ने नवाज शरीफ के साथ जो किया है, उसके बाद ऐसी विश रखना सीधी सीधी नवाज शरीफ को धमकी देना है। हाँ जी, आप में से किसी और की कोई विश? मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो भी खाना बनाऊं मेरे शोहर को पसंद आ जाए। तो फिर आप काम करें ना, जब भी आप अपने शोहर को खाना देना तो साथ एक डंडा रखा करें, आके वो डर के मारे तारीफ शुरू कर दे। जब खामद खा रहा हो तो उसे मेरे शेर सुनाएं, और शोहर को खाना बुरा नहीं लगेगा। वैसे अगर शादी के बाद भी आपने खाना बनाना तो फिर खामद रखने का फायदा। सेगमेंट देखें। एक मिनट पहले शेर सुने। चलो, सर मुंडाने का सबब याद आया। हाय हाय हाय, सर मुंडाने का सबब याद आया, जहन ही बंद था अब याद आया। सर दर्द होने का सबब याद आया, आपकी शायरी थी अब याद आया। हो जाए फिर मुशायरा। हाँ सुनिए, अर्ज किया है, हुकूमत बेवफा है तो अपने भी यही तौर सही। हुकूमत बेवफा है अपने भी यही तौर सही, और ये नहीं और सही और नहीं और। नाज़रीन आप अगला सेगमेंट देखें, हम तब तक नवाब साहब का मुशायरा बर्दाश्त करते हैं। आप कितने बहादुर हैं? बहुत बहादुर हूँ। कभी आपने कोई चैलेंज कबूल किया जिसमें जान का खतरा हो? हाँ, एक दफा किया था। कब? हाय हाय, जब मौलवी साहब ने कहा था कबूल है तो हमने कह दिया हाँ कबूल है कबूल है। अच्छा, क्या पॉइंट से आपकी होस्ट रेशम, हमारे आज के मेहमान हैं इमरान खान साहब और रिहाम खान साहिबा। तुसी आ गए? मेरा मतलब है आप आ गए, आप बैठे बैठे बैठे। हाँ तशरीफ रखे। ओ मियाँ, इनके सामने मियाँ नहीं कहना, इनको तो मैं मियाँ नहीं कहती, गुस्सा आ जाता है। देखिए हमें नहीं होगी, बीवी साथ हो तो बंदे को ये नजर पे भी फर्क पड़ता है। मैं इनको हमें नजर आ रही हूँ। एक मिनट खान साहब, ऐसे ही रहे। दिखाना मुझे भी है। ये हमारा ऑफिशियल फोटोग्राफर है, उमरा हो या इंटरव्यू, फोटोग्राफर अपना। नहीं हो गई, मैं तो कहीं हुई नहीं। खान साहब, आपने
ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कि आप उमरा करने गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखो रेशम जी। हाँ मामा जान, सिद्धा रेशम जी कहता उम्र में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर्स ने फौरन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा। सब कहीं जाकर मेरी तबीयत बहाल हुई। एक मिनट खान साहब, ऐसे रहे। ठहरा ठहरा, मेरा सवाल भी फोटो में आना चाहिए। ठहर जो जरा। देखें जल्दी इंटरव्यू करें, नून लीग की तरह बातों में टाइम जाया ना करें। ये हो गई, ये पता नहीं चला कि नून लीग की हुई है या मेरी है। सियासत में रेहम खान साहब आपकी कोई मदद करती है? वैसे तो बीवी की मदद यही खामत को बड़ी होती है कि वो उसकी कोई मदद ना करे। खान साहब, आप रेहम साहब से किसी भी धरने जलसे का दिन मुकर्रर करने से पहले वेदर की क्लियरेंस लेते हैं? देखे, मैंने कहा था नया पाकिस्तान बना के शादी करूंगा और मेरी शादी नया पाकिस्तान बनने का सबूत है। नए पाकिस्तान की तस्वीर बनाओ। यही हो जा रही है। अरे हाँ जी, बाकी नया पाकिस्तान बन चुका है आपसे शादी से? जाहिर है नया पाकिस्तान नई चीजों से बनेगा ना। मतलब अगर कोई मर्द नया पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश का इजहार करे तो उसकी पहली बीवी को अलर्ट हो जाना चाहिए है? जैसे मैंने पाकिस्तान को इस बार नया पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। पहले मैंने नया बनीगाला बनाया, फिर नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, फिर नया पाकिस्तान खुद ही बन जाएगा। कौन को जल्द कुछ कपड़े मिलेंगे। सियासी बातें कर रही हूँ और क्या। अच्छा खान साहब, अगर हुकूमत जुडिशियल कमीशन नहीं बनाती तो आप फिर धरने देंगे? देखे, हुकूमत अगर जुडिशियल कमीशन बनाती है मैं फिर भी धरना दूंगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इस्लाम में चार की इजाजत है। मीडिया के लिए एक और तस्वीर बनाया हमारी। हमारी में मैं भी आती हूँ ना, एक सेकंड में आ रही हूँ। ये कैमरा खराब है या मेरी किस्मत खराब है? वो रेहम जी, जैसे आपने इमरान खान साहब से शादी की है, मुझे भी कोई टोटका वजीफा बताएं, मुझे भी कोई हैंडसम हस्बैंड मिल जाए। हाँ भावे कोई सियासतदान होवे लेकिन मुस्तफा खार और शेख रशीद के अलावा अल्लाह की कसम आज तक मेरी कभी शादी नहीं हुई। ये कितने चले गए हैं? पिसिच नहीं हो गई मेरी? अभी तो मैंने रेहम भाभी से उनकी फिल्मों में काम भी मांगना था। अगर किसी बहन या भाई को कोई मसला नहीं है तो रेशम को बताएं, फौरन मसला हाजिर। नसीमा, स्मॉल एजुकेटेड मतलब कट पढ़े लिखे, मैं मसलों का हाल देती हूँ, मसले नहीं। अच्छा जी बताएं। मुझे बताएं प्यार इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क? प्यार इश्क और मोहब्बत में उतना ही फर्क है जितना बेगम वाइफ और बीवी में होता है। ये उस बीमारी की अलामत है जिसे शादी कहते हैं, और शादी वो जख्म है जिसमें हल्दी पहले लगती है और जख्म बाद में। जी किसी और का कोई मसला? मेरा मसला ये है कि मेरे लिए जो भी रिश्ता है लड़का देखने के बाद इनकार कर देता है, इसका टोटका बताए। नहीं, अपना मसला बताओ, तुम रेशम का बता रही है। जिससे मैं पसंद करती हूँ वो भी मेरे साथ शादी के लिए नहीं मान रहा। बहन अब लड़का ही समझदार है तो मैं क्या करूँ। आपको क्या मसला है? जी मेरा मसला, जाहिर है अब मैं तुमसे अपना मसला तो नहीं पूछूंगी। मेरा नाम तनवीर है, मेरा मसला ये है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये आपका मसला नहीं, आपकी हरकतें हैं। वैसे मेरे पास इस मसले का हल भी है। आप ऐसा करें, फेसबुक पे ना लड़की के नाम का अकाउंट बनाएं, फिर देखें कितने लोग आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी, किसी और का कोई मसला? जी हाँ भाई। जी मेरा मसला है, मुझे भूख बहुत लगती है। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। हाँ शादीशुदा लड़कियों का ये मसला नहीं, ये उनकी आदत होती है, हर किसी को खाने को पड़ती है। आप ऐसा किया करें, आप अपने पास हरी मिर्चें रखा करें, जब भी आपको भूख लगे ना तो आप हरी मिर्चें खा लिया करें, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, मिर्चें लगा करेंगे। और किसी का कोई मसला? मेरा मसला ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड बैलेंस मुझसे दिलवाती है मगर बाद मेरे दोस्तों से गलती है। आपकी ये बात सुनकर लड़कों की जैसी शक्लें बनी है ना तो लगता है सबका यही मसला है। मेरे पास ना वैसे इस मसले का हल है कि आप बैलेंस के पैसे अपने दोस्त को दे दिया करें, वो उसको बैलेंस मिलवा दिया करेगा, वो फिर आपको फोन किया करेगा।
ناظرین آپ اگلا سیگمنٹ دیکھیے. میاں نواز شریف نے لوہے سونے تانبے کے ذخائر ملنے پر کہا ہے کہ اب وہ کشکول توڑ دیں گے. اس کے لیے کشکول کمیٹی بنا دی گئی. ہماری یہ کمیٹی 3 سے 4 سال میں یہ کشکول توڑ دے گی. پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی قومی اسمبلی میں نیا بل پیش کریں گے جس کے تحت ورلڈ کپ میں کھیلنے والے کھلاڑی سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے. دہلی میں بی جے پی کے الیکشن کے صفایا ہونے کے بعد نریندر مودی نے گھر میں جھاڑو کے ساتھ صفائی کرنے پر پابندی لگا دی. بھارت میں عام آدمی پارٹی کے کلین سویپ کے بعد جمشید دستی نے بھی کلین سویپ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی. یہ کیا, مجھے ووٹ دو. ہمارے گھر بھی چکر لگانا, ہماری نوکرانی بھی چھٹی پہ ہے. اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آدھے گھنٹے میں بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں گھڑی ہماری استعمال کرنا ہوگی. جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن میں تھک گیا ہوں, پھر سہی. یہ بتاؤ کہ اگر آتف اسلم سنگر نہ ہوتا تو ناک سے غبارے پھلا پھلا کے بیچتا. ناک اس کے لیے لکی ہے نا, گانا ہو یا پھر کوئی اور کام. ہاں جی, اگر ریشم ایکٹریس نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ پھر بھی کچھ نہ کرتی. جی آپ میں سے کوئی خواجہ آصف اگر سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ محلے کی وہ ماسی ہوتے جو سیاپا کرانے کے لوگ باری باری اس کو لے کے جاتے اپنے محلے میں. خواجہ آصف صاحب کسی یونیورسٹی کے الیکٹریشن ہوتے, سارا سال یونیورسٹی جنریٹر پر چلتی اور بل پھر بھی پورا آتا. اگلے سیگمنٹ پہ چلے. دیکھیں شیخ صاحب, تاندلی کے ثبوت تو مل نہیں رہے. لگتا ہے نواز شریف نے ان کوسٹ الیکشن میں پوتوں سے تاندلی کروائی ہے. اگلی بار کے الیکشن کے لیے میں بھی کسی پوت کی مدد مانگتا ہوں. دیکھ بچہ ہوں, لڑکی کی مدد سے الیکشن نہیں لڑوں گا, اب کوئی اور دیکھتا ہوں. یہ تو خود ابھی پڑھ رہے ہیں, اب کوئی ڈگری والا بھوت ڈھونڈتا ہوں. لگتا ہے یہ بھوت میرے کام آ سکتا ہے. بھوت جی, اب دیکھیں آپ ایک عرصے سے شیخ کی ویلی میں مفت رہ رہے ہیں, اب تو آپ کو شیخ کا ایک کام کرنا ہوگا. تو مجھے دیکھ سکتا ہے؟ اب شیخ بچاؤں, سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. شیخ نے ساری سیاسی زندگی بھوتوں کے ساتھ گزاری ہے. دیکھیں بھو جی, آپ ذرا میری بات غور سے سنیں, میری جگہ آپ الیکشن لڑیں پکا جیت جائیں گے. اے یڑے, ابھی تو اپنی اوقات بھول رہا ہے. لگتا ہے یہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. دیکھیں بھو جی, اگر آپ مجھے پی ایم بنوا دیں تو میں آپ کو 25 کروڑ روپے دوں گا. اے یڑے, ابھی تو اپنی اوقات بھول رہا ہے. لگتا ہے اسے یہ بھی پتہ ہے میں شیخ ہوں. دیکھیں بھو جی, آپ کو نواز شریف کے مقابلے لڑنا ہے, پہلے میں لڑنے کا موڈ بنا کر بیٹھا ہوا تھا. ابھی تک کوئی اچھا کینڈیڈیٹ اس کے سامنے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اسی لیے تو آپ سے مدد مانگی ہے. آپ تو اچھے ہیں نا. ایک مرا ہوا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے, کیسے لڑے گا؟ یہ پاکستان ہے, یہاں سب چلتا ہے. آئے وکیل سے پوچھتے ہیں. جو کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے, یس, اسے زندہ بھی ہونا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں, کسی کتاب میں نہیں نکلا. تھینک یو. بھوتناتھ ریٹرنز اگین. اب تو وکیل نے بھی کہہ دیا ہے, اب خود کو تیار کریں. الیکشن میں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن ایک بھوت کو ووٹ کون دے گا؟ دیکھیں جی, آپ شیخ رشید کے نعرے لگوا دینا, ہر کوئی ووٹ دے گا. مذاق ہو جائے گا؟ اب مذاق نہیں ہوگا. آپ نے بس ہر کسی سے کہنا ہے شیخ رشید میرے ساتھ ہے, اب پھر دیکھنا ووٹوں کی بارش. ایک ووٹ نہیں ملے گا. دیکھیں جی, اگر ایک ووٹر قسم اٹھا کر یقین دلائے تو سوچو. تو شیخ قسم کھا کر کہتا ہے آپ کو ووٹ دے گا, ایک ووٹ آپ کا پکا ہے. اب بھو جی آپ فکر ہی نہ کریں, ایک آدھ ووٹ اور بھی مل جائے گا, ہم پکا جیتیں گے. ابو جی Bhootnath returns again. اگر آپ سے کوئی مشورہ نہیں لینا چاہتا تو آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنا مشورہ ہمیں دیں, ہم آپ کا مشورہ جو کا تو مطلوبہ شخص تک پہنچا دیں گے. شو کا ڈپٹی ہوسٹ بن, کوریئر کمپنی کا امبیسڈر نہ بن.
آپ کسی سیلیبریٹی کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی ہاں فرینک، میں عاطف اسلم کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ناک سنا گایا کریں۔ آپ کا تو مشورہ بنتا بھی ہے، آپ گاتے؟ ہاں جی کبھی کبھی۔ ذرا گا کے سنائیں۔ میں رنگ میں شربتوں کا، تو میٹھ گاڈ کا پانی، مجھے خود میں گول دے تو میرے یار بات بن جانی۔ عاطف اسلم کو واقعی ناک میں نہیں گانا چاہیے، کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے۔ کسی اور کے پاس کوئی مشورہ؟ میں قائم علی شاہ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ہائے، سونے کا مشورہ نہ دے دینا، یہ کام تو بنا مشورے کے بڑا اچھا کر لیتے ہیں۔ میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھولا نہ کریں تو ایک وزارت بنا دیں، وزارت بھول چوک۔ اس کا کام وزیر اعلیٰ کو یہی یاد کروانا ہو جو انہوں نے بھولا ہو۔ میں پرویز خٹک صاحب کو مشورہ دینا چاہتی ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں ان کی حکومت نظر آئے تو مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملا لیں، کیونکہ مولانا صاحب جس پارٹی میں ہوتے ہیں لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پارٹی کی حکومت ہے۔ جی اور کوئی؟ جی ہاں فرائی۔ ہاں جی، قادری صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں انقلاب لینے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ خود پاکستان نہ آئیں۔ کوئی اور؟ جی، طاہر القادری صاحب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ دھرنا شروع کر دے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو بیٹے اپنی شادی کی خاطر حکومت کو کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کسی نا میرج بیورو سے رابطہ کرو، چیک کریں کہ مشورہ کون دے رہا ہے۔ بیوی اور خاوند گھر میں نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے تھے۔ کتنا برا لگ رہا ہے مجھے، ابھی یہ چیتا ہرن کو پکڑ لے گا اور اسے کھا جائے گا، مجھے تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ اور یہ قدرت کا قانون ہے، چیتے کو زندہ رہنے کے لیے شکار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ مجھے تو رونا آ رہا ہے، پلیز تم کچھ کرو نا۔ اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر چیتے نے ہرن کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا نا تو میں کبھی بھی مہکے نہیں جاؤں گی۔ کیا؟ اب باقی کی سٹوری کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم آپ کو کرکٹ کی کچھ یادگار تصویریں دکھائیں گے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس لمحے کی ہے۔ بندہ اتنا خوش تب ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم ہار جائے اور آپ پھر بھی مین آف دی میچ بن جاؤ۔ ایسا وہ تب بنتا ہے جب کوئی اچانک کسی پرانی پنڈ کی مائی کے سامنے اسکرٹ پہن کے آ جائے۔ ہاں ہائے۔ جی کوئی اور؟ جی ہاں فرینک۔ ایسا منہ تب بنتے ہیں جب کئی سالوں کے بعد اچانک آفریدی کا موڈ بن جائے چھکے چھڑوانے کا۔ جی کوئی اور؟ ایسا منہ تب بنتا ہے جب آپ کی گرل فرینڈ شادی والا دن آپ کو بھائی کہہ کے بھاگ جائے۔ یہ کوئی ذاتی ایکسپیرینس تو نہیں؟ اس طرح کے حالات تب ہوتے ہیں جب ٹاس کرتے وقت امپائر کا کوائن گم ہو جائے۔ جی آپ میں سے کوئی؟ ایسی حالت تبھی ہوتی ہے جب مصباح الحق کو بیٹنگ کرتے ہوئے 13واں گھنٹہ اور سکور صرف 12 ہو۔ جی اور کوئی؟ ایسی پوزیشن تب بنتی ہے جب میچ کراچی میں ہو اور اچانک فائرنگ شروع ہو جائے۔ باجی آپ تو بہت خطرناک ہیں۔ ایسی شکل تب بنتی ہے جب کوئی بال پھینکنے کے بجائے جوتا پھینک دے۔ ایسی شکل کب بنتی ہے؟ ایسا منہ تب بنتا ہے جب آپ اپنے اوپر جوا لگا کر بھول جائیں کہ لگایا کس پہ تھا۔ جی آپ میں سے کوئی؟ ایسا منہ تب بنتا ہے جب آپ کی بیوی آپ کو رنگے ہاتھ پکڑے اور دھلائی کرتی واپس لائے۔ اچھا لڑکی نے دیکھو اٹیک میرے اوپر کیا ہے اور ہاتھ تمہاری طرف کیا ہے۔ ایسی شکل تب بنتی ہے جب آپ بارات لے کر جا رہے ہیں اور پتہ چلے دلہن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایسی تصویر کب بنتی ہے؟ جب سریش رائنا یوراج سے کہے کہ یار میں نے بندروں کو کیلا کھلانے کی منت مانگی تھی، میری منت پوری کر دو کیلا کھا کر۔
Married. गैर शादी शुदा की सुबह कैसे होती है? नसीम नाश्ता ये आया। और शादी शुदा की सुबह नसीम नाश्ता ये भी आया। सिंगल वर्सेस मैरिड। छुट्टी के दिन गैर शादीशुदा की सुबह कैसे होती है? और शादीशुदा की छुट्टी की सुबह पता नहीं कौन बदतमीज कमरे की सारी सेटिंग खराब कर देता है। सिंगल वर्सेस मैरिड। गैर शादीशुदा का छुट्टी का दिन। तो बेटा जॉब ठीक जा रही? माँ टीवी देख रहा हूँ ना। शादीशुदा का छुट्टी का दिन। आप क्या है वक्त एक ही चीज देखते रहते हैं? पर वो मैच चुप करें। कोई मैच यहाँ से जाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। आज हमारे शो में अरब लोहार के लोकल लाइफ के ऑडिशन है, सब अरब लोहार से शिव ले आइए। शादीशुदा लग रहे हैं। वो कैसे? सारे बीवियों का कपड़े जो पहन आए हैं। आपको किसने कह दिया कि आप आरिफ लोहार लगते हैं? मेरे घर वाले कहते हैं। साल साल बाल नहीं कटवाओगे तो वो तो यही कहेंगे ना। अच्छा रेशम, हाँ? अली अजमत भी पहले आरिफ लोहार था। अच्छा हाँ, वो तो उसने एक दिन अपने हेयर ड्रेसर को अपना गाना सुना दिया तो उसने गुस्से में आके उसकी वो कटिंग की है कि अब वो अली अजमत ही है। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਸੇ ਆਪ ਜਾਗ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਫ ਲਿੰਕਸ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੋ ਕੇ ਸਾਥ ਚਿਮਟੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈ। छोटा क्यों है आप? गाना सुनाने आए या रोटियां लगाने आए? और जनाब चिमटा बड़ा ही था, पंजाब जाकर छोटा हो गया। नहीं नहीं, चिमटा इनका बड़ा ही था लेकिन इसका इस्तेमाल डबल होता है। पहले ये चिमटा जो है गाने में बजाते हैं, फिर हाँ। गाने के बाद लोग इसको बजाते हैं। सुनाइए आप गाना फिर। पहले तुसी सुनाओ। जनाब सिंगर आप है, आप सुनाए, मैं क्यों सुनाऊं? रेशम इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, वो तुम्हारे बालों की वजह से तुम्हें भी आरफ लोहारी समझ रहा है। जी गाइए। मैं नील कना या नील का हो मेरा तन मन नीला नी, तन पुल सुन लम्बे तानिया मेरी इतना सुनी दिली। तो आपसे किसने कहा था कि थाने के सामने फंक्शन करो? आप भी आरफ लोहार के लोकल लाइक्स हैं तो उनकी तरह आप क्या कर सकते हैं? होया शादी नू एक साल, होया शादी नू एक साल, बीवी कर दिता बुरा हाल, बीवी कर दिता बुरा हाल, उत्तों सच वी रल गई नाल, उत्तों सच वी रल गई नाल, दोवा खिच दिती मेरी खाल। ओ मेरी बीवी बड़ी जालम जी, ओ मेरी बीवी बड़ी जालम जी, ओ मेरी बीवी बड़ी जालम जी। आपको कहा गाना सुनाए, आपने घर के हालात सुना दिए। किसकी परफॉर्मेंस आपको आरिफ लोहार के करीब करीब लगी है? हाँ ये आपको जीतने की खुशी में हम तवा देते हैं ताकि आपके चिमटे तवे का सेट बन जाए। तो नाज़रीन आप इस खुशी में अगला सेगमेंट देखिए। जब कोई कैच को गिराएगा
जब कोई कैच को गिराएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, कोहली के छक्कों से तबाह होकर हमारी फील्डिंग से खफा होकर।